हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रूपा रणदेव्स स्मार्ट आर्ट। आज हमारे स्मार्ट आर्ट के खजाने में से आ रहा है लड्डू गोपाल का बहुत ही प्यारा झूला। तो लड्डू गोपाल का प्यारा सा झूला जन्माष्टमी के लिए चलिए आज बनाते हैं। जन्माष्टमी पे स्पेशल लड्डू गोपाल का झूला बनाने के लिए हम ले रहे हैं एक कार्डबोर्ड, और इस कार्डबोर्ड की जो लेंथ है वो है 7 इंचेस और जो इसकी विड्थ है वो है 13 इंच। सो 7 इंच हमने इसकी लंबाई ली है और 13 इंच हमने इसकी चौड़ाई ली है, और साथ में ले रहे हैं 2 कार्डबोर्ड रोल। और ये जो कार्डबोर्ड रोल हैं, ये एक्चुअल में जो हम किचन में फॉइल पेपर यूज़ करते हैं उसी के रोल हैं, और इसके अलावा ये किचन टॉवल के भी रोल हो सकते हैं। जिस साइज का हमने पहले कार्डबोर्ड लिया है बिल्कुल उसी साइज का हमने एक और कार्डबोर्ड लिया है। बस हमने देखना क्या है कि जो हमने अभी ये जो कार्डबोर्ड के रोल लिए थे उसी के साइज के 2 होल कर लेने हैं सेकंड वाले कार्डबोर्ड के अंदर। तो हमने जो होल किए हैं वो साइड से हमने 1-1 इंच की दूरी पर किए हैं, और ऑलमोस्ट उसी को साइज में लेके तभी राउंड लगाया गया है। और इसी के साथ जो नेक्स्ट है ये है थर्मोकोल, और जो थर्मोकोल है उसमें भी बिल्कुल जो हमने कार्डबोर्ड में होल किए थे बिल्कुल उसी माप के होल कर लिए हैं। तो अभी तक हमारे पास 3 लेयर हुई है। पहले नीचे एक प्लेन लेयर है कार्डबोर्ड की, उसके बाद एक थर्मोकोल की लेयर है जिस, और उसी के साथ द थर्ड वन इज एक और कार्डबोर्ड जिसमें होल है। सो कार्डबोर्ड और थर्मोकोल दोनों में सेम होल कर रखे हैं। तो अब हमने इन तीनों लेयर को आपस में चिपकाना है, और उसके लिए मैं यूज कर रही हूँ ग्लू गन। जरूरी नहीं है ग्लू गन, आप कोई भी ग्लू यूज कर सकते हो। सो सबसे पहले हमने कार्डबोर्ड रखना है, उसके बाद हमने थर्मोकोल की शीट रखनी है। अब थोड़ा सा ग्लू इस पर डाल के जो थर्ड लेयर है कार्डबोर्ड की वो भी हमने चिपका दी है। सो अब ये तीनों को हमने आपस में पेस्ट कर लिया है, नीचे बिल्कुल प्लेन, देन थर्मोकोल एंड देन नेक्स्ट कार्डबोर्ड, और दोनों में होल है। अब जो हमने प्लेटफॉर्म रेडी किया है अब हमने उसे पेपर से रैप कर देना है। मैं इसके लिए सैफ्रन कलर ले रही हूँ, तो आप कोई सा भी कलर अपनी चॉइस का यूज कर सकते हो। सो अब हमने इन्हें अच्छे से कवर कर लेना है। पहले अच्छे से कवर करने के बाद जो हमने इसके अंदर होल छोड़े थे वहाँ पर हमें कट लगाना पड़ेगा। सो पेपर में कट लगाने के बाद हम इसमें जो हमारे पास रोल है उसे एडजस्ट कर देंगे। ये कार्डबोर्ड रोल अच्छे से एडजस्ट हो रहे हैं, लेकिन अभी हमने इन्हें फिक्स नहीं करना, पहले हमने इन्हें रैप करना है। सो अब इन कार्डबोर्ड रोल को हमने रैप करना है। मैं सेम कलर ले रही हूँ, आप चाहो तो कुछ अलग कलर भी यूज कर सकते हैं। बस इसी तरह से हमने दूसरे कार्डबोर्ड रोल को भी अच्छे से कवर कर लेना है। सो बस पेपर रैप करने के बाद हमने इस तरह से पिलर्स को एडजस्ट कर दिया है। सो ये फिक्स हो चुके हैं। इसी तरह का एक और रोल लेके मैंने उस पर रेड कलर का पेपर लिया है, और इसे कवर करके हमने ऊपर की तरफ इस तरह से चिपका देना है। इतना तैयार होने के बाद अब हमने इसे थोड़ा सा डेकोरेट करना है, और डेकोरेट करने के लिए मेरे पास कुछ ग्लिटर पेपर्स पड़े हुए थे, और इन पेपर्स के साथ मैं इन्हें हल्का सा डेकोरेट करूंगी। ग्लिटर पेपर को यूज करने के बाद ये कुछ इस तरह से दिख रहा है, और अब बारी है कुछ और डिफरेंट यूज करने की, और इसके लिए हम यूज कर रहे हैं गोल्डन डोरी। ये गोल्डन डोरी है, अब इसके साथ थोड़ी सी डेकोरेशन और करते हैं। कुछ इस तरह से गोटा किनारी लगाने के बाद हमने इसे तैयार कर लिया है। तो हमारा बेस बिल्कुल तैयार है, अब बारी है झूले की। झूला बनाने के लिए मैं ये बॉक्स यूज कर रही हूँ, एक्चुअल में ये मोबाइल का बॉक्स है। सो मोबाइल का खाली बॉक्स है, और अब हमने इसमें एक तरफ से 1 इंच का निशान छोड़ के नीचे की तरफ निशान लगा लेना है, और इसी तरह से साइड से 1-1 इंच जगह छोड़ लेनी है। और अब इन तीनों पॉइंट्स को आपस में मैच करना है, लेकिन एक कर्व के अंदर इस तरह से मैच करके हमने इस पार्ट को भी कट कर लेना है। कटर का यूज करके मैंने इस बॉक्स को इस तरह से कट कर लिया है, और अब हमने इसे पेपर से रैप कर देना है। इस तरह से बॉक्स को कवर करके हमने इसे थोड़ा सा डेकोरेट किया है लेस लगाकर और ग्लिटर पेपर के साथ, और ये हमारे कान्हा जी का सिंहासन तैयार हो गया है।
और अब हमने इसे एक बार चेक कर लेना है कि ये बिल्कुल सही माप का है या नहीं। इसी के साथ मैंने एक वेलवेट की सीट तैयार की है, ये गद्दी है जिसे कि वेलवेट और बीच में स्पंज डालकर तैयार किया हुआ है, और इसे झूले के अंदर रख लेंगे। अब झूले के लिए मैंने एक डोरी ली है, सो इसे लटकाने के लिए हमें डोरी की ज़रूरत पड़ेगी। ज़रूरी नहीं है डोरी, आप कोई चेन भी ले सकते हो। इस तरह की डोरी को हमने झूले के नीचे की तरफ चिपका देना है, और नीचे की तरफ चिपकाने के बाद इसे ऊपर से भी चिपका देना है, और बस तैयार हो गया लड्डू गोपाल का झिलमिल झूला। और इसमें मैंने इसे डेकोरेट किया है कुछ एक गोटा पट्टी के साथ, और थोड़े से स्टोन्स लगाए हैं, और थोड़े से रिबन फ्लावर्स, और उसी के साथ बेस्ट झूला तैयार हो गया है। सो इस जन्माष्टमी बनाइएगा झूला मेरे आइडिया के साथ, और अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू।